सा और अलवर। मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा का सारांश देंगे, इसके क्या उपलब्धियां हुई हैं कांग्रेस पार्टी को, संगठन को, सरकार को, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आज शाम को हम राजस्थान में ही हैं, आज रात का कैंपसाइट राजस्थान में ही है और कल सुबह हम हरियाणा में शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, 24 रात को हम दिल्ली पहुंचेंगे, 9 दिन का विश्राम होगा और ये विश्राम ये हो रहा है, 9 दिन लग रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि 4-5 दिन ही लगेंगे, पर करीब 70 कंटेनर हैं जिसका मेंटेनेंस होना है और हम पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ हीटिंग का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा कंटेनर के अंदर, तो उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम है, टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे कई भारत यात्री 4 महीने से परिवार के पास नहीं गए हैं, केरला में, कर्नाटक में, आंध्रा में वो जाना चाहते हैं। एक लड़की मणिपुर जाना चाहती है, एक हमारे साथी असम जाना चाहते हैं, तो दूर दूर इलाके से आए हैं, तो 2 दिन समय लगेगा दिल्ली आने जाने के लिए। तो हमने सोचा कि 5 दिन नहीं, हम 9 दिन ही करें, तो ये इसमें कोई आप राजनीतिक मीनिंग मत देखिएगा, हालांकि आप देखेंगे और सवाल उठाते रहेंगे, फलाना कहाँ रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, वो कहाँ करेंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो आप चला रहे हैं न्यूज़ वो सब गलत निकलेगा। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी खबर निकालोगे कि इन 9 दिन में कहाँ हैं ये लोग, आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, सब लोग दिल्ली में ही रहेंगे या अपने परिवार के साथ अलग अलग राज्यों में रहेंगे। तो 3 तारीख को हम वापस शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा फेज 2, हरियाणा फेज 2 के बाद पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर। कल हरियाणा में हमारा इंटरेक्शन होगा, कल जय जवान दिवस हम मनाएंगे हरियाणा में, पूर्व सैनिक के साथ ज़्यादातर इंटरेक्शन होगा। और 23 तारीख को जय किसान दिवस मनाया जाएंगे, ज़्यादातर किसान के साथ, किसान और किसान संगठनों के साथ मुलाकात होगी राहुल जी से और उनके साथ भी चलेंगे। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के ओर से मुख्यमंत्री को, पीसीसी अध्यक्ष को, हमारे एआईसीसी प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा से प्रबंध किया। और जो चुनौती कमलनाथ जी ने दी थी 16 दिन पहले, मैं समझता हूँ राजस्थान पूरी तरीके से सफल हुआ है, उस चुनौती को स्वीकारा है। और अगर मुझे कुछ कहना है, 10 में से 10 राजस्थान को मोबिलाइजेशन में, सड़क की गुणवत्ता में हम चल सकते हैं, कोई खतरा नहीं था। और जो रहने का बंदोबस्त भी किया गया है, कैंप 1, कैंप 2, वो सब 10 में से 10। मैं एक ही बात का जो मुझे दुख है कि कई पत्रकार राहुल जी से के साथ चलना चाहते थे और मैंने भी वादा किया कि मैं कुछ कोशिश करूंगा, पर वो हो नहीं पाया। तो अगर आप हरियाणा में आना चाहते हैं तो मैं हरियाणा में कोशिश करूंगा, दिल्ली में श्रीनगर तक चल लिया, श्रीनगर में कोशिश करूंगा, पर आप यकीन मानिए मेरे प्रयास छूटे नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया, पर मेरे बहुत सी मजबूरियां हैं। और आज देखिए कई इंटरेक्शन को हमने कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आज हमारे संगठन से ज़्यादा लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनको मौका नहीं मिला था वो राहुल जी के साथ चले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सब 16 दिन से हमारे साथ चले हैं, हम हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपसे बहुत सहयोग मिला, कवरेज मिला। हालांकि राहुल जी बार बार मीडिया को टोकते रहते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे भी कहा है कि आप अंग्रेज़ी अखबार छोड़िए, दिल्ली के अंग्रेज़ी अखबार छोड़िए, जो रीजनल मीडिया है हमें पूरा कवरेज दे रहा है,
और ये मध्य प्रदेश में था, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला, और राजस्थान में हमें अच्छा से कवरेज आप ही के बदौलत हमें मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी मुख्यमंत्री से गुजारिश करूँगा कि ओवरऑल समरी दें भारत जोड़ो यात्रा का, क्या असर हुआ है राजनीति सरकार पर, संगठन पर, और अगले कदम जो सफलता हासिल हुई है भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, वो अगले कदम क्या लिया जाएगा। यहाँ हमारे लोकल एमएलए भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, अभी जयराम रमेश जी ने आपको जो भी टिप्पणी की है और जो आपने वादा किया नहीं निभा पाए, उसके लिए सॉरी फील भी किया है, और ये भी कहा है कि आपने कवरेज रीजनल प्रेस में अच्छे दिए हैं, उसके लिए मैं आपका विशेष शुक्रगुजार मैं भी हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों आपने खुद ने कहा अंग्रेजी न्यूज़ पेपर कवरेज नहीं दे रहे, ये भी एक आश्चर्य की बात है और दुखद बात है, क्योंकि सामरिक सरोकार तो उनका भी होना चाहिए। ज़्यादातर सामरिक सरोकार के लिए महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस का माहौल देश के अंदर हो, तनाव नहीं हो, रक्षा हो संविधान की और लोकतंत्र की। यात्रा का ज़्यादा सवाल है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, इसलिए मीडिया पे दबाव है उनका कवरेज नहीं देने का, मेरा आरोप है ये। और मीडिया दबाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई कारण नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे टफ यात्रा है, और एक उद्देश्य को लेके की गई। कल मैंने मीटिंग में कहा था 3 मकसद, नंबर 1 महंगाई, क्या सामरिक सरोकार नहीं उसका, नंबर 2 बेरोजगारी सामरिक सरोकार है, और नंबर 3 तो सामरिक सरोकार भी है, मानवता भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कुछ है। तीनों मोर्चे पे लेके राहुल गांधी का कारवा चल पड़ा है, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा डरो मत, ये भी एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से यात्रा बहुत कामयाब होके चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि 3-3 घंटे, उनको मालूम है कि 3:30 बजे यात्रा शुरू होगी, तभी वो 12 बजे आके अगर खड़े हैं, 500-700 हज़ार 2 हज़ार तो खड़े ही हैं 3 घंटे के लिए, इंतजार कर रहे हैं। आगे पीछे आप सब नोट करते होंगे बैठे हुए, ये क्या अंकित करता है। जो वो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, नफरत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, जिस उत्साह से लगा रहे हैं, उसमें एक मैसेज आता है कि ये चाहते कि ये जनता क्या चाहती है, तो जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही। ये तो हालात आप देख रहे हो। और जहाँ तक जनरल रमेश जी पहले भी कह चुके हैं, इसका कोई वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सीधा संबंध नहीं होता राजनीति में। जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालना बहुत बड़ी बात है, उसका ही मैसेज होता है। आप धरना क्यों देते हैं, पब्लिक की जो इश्यू होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो। पब्लिक तो आगे बैठ नहीं सकती धरने में, सब हजारों लाखों लोग बैठ नहीं सकते, आप 100-200 लोग बैठते हैं, प्रभात फेरी भी निकालते हैं, तो एक पब्लिक क्या चाहती है, घरों में बैठी हुई, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को मैसेज देने के लिए, ये डेमोक्रेसी है। उसमें राहुल गांधी जी पूरी तरह कामयाब हुए हैं। मैं उनको यात्रा हमारे राजस्थान का अंतिम दिन है, कल सुबह हम हैंड ओवर करेंगे, तो आगे की यात्रा के लिए राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोग सब मिलके उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आगे की यात्रा के लिए भी। और इतना भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जैसलमेर, बाड़मेर लगा के, धौलपुर हो, झालावाड़ हो, जो जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं हुआ होगा जाके लोग नहीं आए होंगे।
इसमें आपको हजारों लोग वो मिलेंगे जिनको जिनको एक जो इनकी थीम है उससे प्यार है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, और जो राहुल जी का ये नॉन वायलेंस की और जो भावना है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, कानून का राज रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। कल मैंने भी कहा था कि अब जो है जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईबी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वालों को डर है, मतलब ये दबाव में नहीं है खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है, अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा। ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है, जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको, चंदा सिर्फ हमारे पास में आए बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चला देश के अंदर, देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोपरि सर्वोत्तम क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी देख रहे हम लोग बहुत ही, मैं बार बार कोई पत्रकार को खुश कर ले नहीं कहता हूँ, मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, डिस्कशन आते हैं आजकल, वो सत्य हिंदी का आपका ऐप, एक ऐप बना लगा वो आशुतोष का, उसी ढंग से और कई ऐप बन गया आजकल, तो रवीश कुमार का ऐप बन गया होगा, मैं देखता हूँ उनमें जो डिस्कशन बैठते हैं, आपके आपके साथी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, क्या क्या मतलब लोगों की सोच है, क्या चिंतित है लोग, कई लोग तो लिखते लिखते थक गए अब आपके, कहाँ तक लिखेंगे इनके बारे में। तो पहले कांग्रेस शासन में क्या था, लोग क्या कहेंगे उससे शासन कांग्रेस करती थी, जनता क्या सोच रही है हमारे बारे में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा, अब 7-8 साल में कोई इस्तीफा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा, उस रूप में ये मैं महसूस करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूँ, मैं कह सकता हूँ ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, नंबर वन, ये यात्रा हमें संदेश दे रही है हमारी सरकार को भी, हर यात्रा संदेश देती है चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है, इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वो इस हमारी सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टेंकी पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने खूब उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था, और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर 1040 से ज़्यादा हो गया, आज हमने कहा है उन लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे, आगे बजट में भी कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार, आज हमने चिरंजीवी योजना है, ये भी महंगाई को आप अगर जोड़े हैं तो एक घर में थोड़ी सेविंग हो गई, जो तो दवाइयों में ऑपरेशन में पैसा खर्च होता है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ये भी एक सेविंग, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारी है, उड़ान भी क्यों नहीं हो, सब में अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो आप सोच सकते हो इससे महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ती है। इस रूप में हमारी जो भी योजना है, मैं समझता हूँ कि वो योजना तमाम आप खुद महसूस कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी को हमने जो रखा है थीम में, वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। पेंशन दे रहे हम लोग, 1 करोड़ लोगों को दे रहे पेंशन,
और आपको आश्चर्य होगा कि 9-10 लाख लोगों को देते हैं, पहले मेरे को अंदाजा 20-25 लाख को देते होंगे। 200 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, तो राहुल गांधी जी ने अगर बोले 5 पॉइंट चेंज योजना का और इंदिरा गांधी रोजगार योजना शहरों के अंदर और उड़ान महिलाओं के लिए, पुरानी पेंशन, 5 पॉइंट जो है, मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मोदी जी को कि राहुल गांधी जी ने जो फीडबैक मिला उनको, ये ऐसा नहीं बोले, वो हमारे कहने से नहीं बोले, मैं आपको कह सकता हूँ उनकी जो प्रकृति में जानता हूँ ये सब जानते हैं, वो ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आप बोल रहे हो हमारे लिए कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया, वो नहीं मानने वाले। उन्होंने जो यात्रा की है 2000 किलोमीटर ज़्यादा की, जो फीडबैक आया जनता ने उनको, उसके आधार पर कल उन्होंने अपनी बात कही है। तो क्यों नहीं डेमोक्रेसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की यात्रा का फीडबैक जो उन्होंने कल दिया है, हमारी योजना महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की बात करी, आप कल्पना कीजिए, मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ बचपन से ही, एकदम सीख नहीं पाया इंग्लिश को, हंस रहे हैं जयराम जी, हंस रहे हैं, अंग्रेजी सीखा वो छोड़िए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के खिलाफ था क्योंकि उस वक्त में दक्षिण में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश के खिलाफ आंदोलन होते थे, हम उसके भागीदार हैं। 40-50 साल में देखा कि वास्तव में कल राहुल गांधी जी ने जो एक्सप्लेन किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर आपको दखल करनी है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। वो काम हमारे जब शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, तब कर दिया हम लोगों ने। आज 1600 स्कूल खुली है, कल राहुल गांधी ने कह दिया है इन स्कूलों में कमी नहीं आनी चाहिए, तो आप देखोगे एक जाल बिछा देंगे हम लोग, जहाँ मांग होगी। आज भी लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चे बोलने लगे इंग्लिश। परसों जब प्रदर्शनी में गए राहुल गांधी जी तो कई बच्चों ने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करी। तो आप 5-10 साल के बाद में हमारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे, वो कम्पीट करने की स्थिति में आ जाएंगे इस दुनिया के अंदर जो इंग्लिश की दुनिया भी है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि तमाम जो इंग्लिश स्कूल की बात, उड़ान की बात कई महिलाओं के लिए कर उन्होंने, संकोच में लोग बोलते नहीं है, टाइम चला गया, घूंघट में महिला बोलती नहीं है, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, दवाई लो कि तब बांझ बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं। मैंने डॉक्टर पूछा क्या क्या संभावना है, आप बताइए। आज हम चाहते हैं कि सरकार ने दिया है, कल वो सक्षम खुद हो, 12 नैपकिन पर मंथ देंगे हम लोग, इस पर आपके आर्टिकल आने चाहिए आप लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ये हो गया शहरी रोजगार योजना, करीब 4 लाख लोगों ने अभी रजिस्टर करवाया है, पर मैंने कल रात को ही कलेक्टर से बात करी, यहाँ लोकल भी इतने खुश हैं कि छोटे बड़े काम जो हैं वो तमाम काम इनके जो रोजगार के माध्यम से हमारे होने लग गए हैं। OPS मुझे मालूम प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे, नीति आयोग एनके सिंह साहब हमारे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर पनगर ही बोले मेरे ख्याल से, अंदाज है मेरा, कई लोगों ने इसको एक प्रकार से इसको नहीं मान रहे, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब देश की आज़ादी के बाद से, जब से पेंशन लागू हुई है, अभी तक देश ने प्रगति भी करी है और पेंशन भी दी है सबको, लगता है कि 1.5 लाख पेंशन मिल रही है इसको, DA के साथ बढ़ रही पेंशन, ये नहीं सोचते 1.5 लाख की कीमत क्या रह गई, आज 1 लाख की कीमत क्या रह गई है, रुपये की अवमूल्यन हो रहा है। तो ये जो है सोच जो है कि ये संभव नहीं है या ये मतलब उचित नहीं है, मैं मानता हूँ ये उचित है, और इसको ह्यूमन राइट कमीशन CNAG जिसके मिस्टर राजीव महेश जी हमारे राजस्थान के कैडर के हैं, मुझे दुख होता है जो राजस्थान कैडर का ऑफिसर CNAG था तब तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे कि ना नियम बने ना कायदे बने ना कुछ नहीं हुआ, 15 साल के बाद में आलोचना करी, अब वो आर्टिकल लिख रहे मेरे ख्याल से इसके खिलाफ में, दबाव में वो भी होंगे, हर वो व्यक्ति दबाव में है जो
सरकार की से असहमति व्यक्त करता है या आलोचना करता है। जुडिशल कमीशन, वो कह रहा हम नहीं लागू करेंगे इसको। आर्मी कह रही है कि क्या तरीका है, आर्मी को दे दिया ओपीएस लागू, आज भी है। और पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो है, बीएसएफ है, आईटीबी, पीपी जो भी है, वो तमाम में आपने एनपीएस कर दिया, वो भी भेदभाव किया आपने। आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, अग्निवीर लेके आ गए हो? ये अग्निवीर बला क्या है? 4 साल की सर्विस, 18 साल में प्रवेश करो, 22 साल में निकल जाओ आप। 22 साल बाद में बच्चा करेगा क्या? आजकल तो बच्चे शादी 25, 26, 27, 28 पे करते हैं, ये मजाक नहीं है क्या? बोल नहीं रहे क्योंकि कह दिया जो बोलेगा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। उसके बाद में आंदोलन शांत हो गया देश के अंदर, पर दिलों के अंदर आज भी आक्रोश भी आग लगी हुई है। भविष्य अनिश्चित है, तो सब भी वो लॉटरी की तरह जाएंगे अग्निवीर में, अग्निपथ में, क्योंकि 25% लोगों को नौकरी मिलेगी। वो 25% वाला दाव लगाएंगे लॉटरी की तरह, हो सकता 25% में नंबर आ जाए मेरा, बोल नहीं रहे। पर ये खुद को सोचने की बात है भारत सरकार को। तो ये जब ओपीएस हो गया, चिरंजीवी योजना हमारी बहुत शानदार है, बार बार हम क्या कहें आपको, देश भर में राइट टू हेल्थ कानून बनना चाहिए, भारत सरकार का कानून बनना चाहिए, देश के अंदर लोकसभा में कानून बनना चाहिए, जैसे सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कानून बनवाए, आरटीआई, आरटीई, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनवाया, उसी ढंग का कानून बने इसका, आपका चिरंजीवी राइट टू हेल्थ, हम ला रहे बिल यहाँ पर पेश कर दिया गया राजस्थान असेंबली के अंदर। ये कानून बने, सबको हेल्थ का अधिकार मिले कम से कम। इतना महंगा इलाज होता है, घर बिक जाते हैं, गहने रखो, गिरी रखो, पता नहीं क्या क्या होता है परिवार के अंदर। 5-7 हज़ार तो मामूली छोटा मोटा बुखार भी खर्च हो जाते हैं आदमी के। तो ये हमने आज जो सिक्योरिटी दी है, राजस्थान के लोग बहुत खुश है इससे। जहाँ हम गाँव में गए, मैं भी अभी गया हूँ, 15 दिन घूम रहा हूँ साथ में, जहाँ पूछो गाँव में सब लोग इससे खुश है। ये बात है जो मैंने कहा, 5 योजना हमारी जो है, ये जो राहुल गांधी जी का जिक्र किया, इसको हम आधा बनाएंगे आगे बजट के अंदर भी, और आगे भी हम आधा बनाएंगे पब्लिक को एजुकेट करने के लिए भी, पब्लिक को राहत मिले सुनिश्चित करेंगे, ये योजना हमारी पूरी तरह कामयाब हो। योजना बनाना एक बात है, कामयाब होना दूसरी बात है। सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं में कोई कमी नहीं रहे, नहीं बनती है, कुछ कमी रहती है, धीरे धीरे उनको दूर कर लेंगे। तो ये बात नहीं, तो मैं कहूँगा इतना कम है, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। नहीं वो मेरे तो 2 घंटे बहुत कम है, इनको भी तो खाना वाना खाना होगा, मेरे ख्याल से खत्म करो। कल राहुल जी ने बात की कि बात की थी आई जी की, वो एक नया कंसेप्ट है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कल, कि जो ऐसे लोग नए आप देखते हो 8-10-15 सालों के अंदर, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये का जो सेक्टर डेवलप हुआ, इसमें लोग तकलीफ में हैं, वो लोग शोषण करते हैं, इनका निकाल देते हैं नौकरी से। कई लोगों ने खुद ही टैक्सी खरीद के लगाई, एक व्यक्ति मेरा सरदार जी थे, राउडी का इंटेक्शन हुआ, उसने कहा मैंने 3 टैक्सियाँ खरीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए मैं इस काम में खुद पड़ा हूँ, कि मैं क्यों नहीं इन लोगों की मदद करूँ कि जो ये गिग वर्कर्स हैं। पूरा एक्सप्लेन किया, मेरी 3 टैक्सी बिक गई, मैं कर्जदार हो गया, तो मुझे पीड़ा जो मैंने सही है वो मैं चाहता हूँ कोई नहीं सहे। तो राहुल जी ने जो कल फीडबैक के आधार पर बात की आपसे, इस पर भी हम चाहेंगे कि कौन कोई बजट के अंदर हम ऐसा प्रोविजन करें जिससे कि इन गिग वर्कर्स का भी भला हो देश के अंदर, ये हमारी सोच रहेगी। ये बात हो गई आपके सामने, बाकी तो मैं अभी देख रहे हैं कि भाई, तो मुझे कहना है कि सरकार की जो मंशा है कि जो हमने योजना लागू करी है उसको हम लोग पूरी लागू करेंगे, उसको बनाएंगे हम। एक बात हमारे विपक्षी लोग बार बार बोलते हैं कि अब कर्जा माफ नहीं किया, राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव वादा किया था। मैं उनको कहना चाहूँ झूठ बोलना छोड़ो, झूठ बोलना पाप है, पुरानी कहावत है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी ने कहा था। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ जो आपको मालूम पड़ेगा। ये नानक राम जाट है,
गांव धनिया जयपुर का है, ये 14,42,000 कर्जा माफ हुआ है सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक का। एक राम सिंह गुजर है दूसरा गांव, उसका 5,20,000 रुपये कर्जा माफ हुआ। एक राम खिलाड़ी मीणा है राजगढ़ का, अलवर का, इसी जिले का, उसे 3,00,000 रुपये कर्जा माफ हुआ है। और एक देवीलाल है रायनगर का, गंगानगर का, उसका PLDB प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होती है जहाँ जमीन रहन कर रखनी पड़ती है, तो हमने उसका 18,38,000 रुपये कर्जा माफ किया, तो उसकी रहन रखी हुई जमीन छूट गई। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। उसके बाद में इनको शर्म भी नहीं आती है, एक झूठ को सौबा बोलो तो सच के एहसास होता है, उस थोड़ी पे चल रहे हैं। मैंने पता नहीं आपको कहा या किसी को कहा कि वो जो गोवेल्स था, गोवेल्स, ये पता नहीं कि मामा के बड़े भाई लगता था क्या लगता था, उसी ढंग के लोग बिहेव कर रहे हैं, गोवेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उनके क्या भाई लगता था, भतीजा लगता था, समझ नहीं आती। अंग्रेजी में आप लोगों ने सीख लेता हूँ। तो आप बताइए, कुछ कुछ रिश्तेदारी है इनकी, BJP गोवर से रिश्तेदारी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दोनों की सोच एक सी है। मतलब हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं, कब तक झूठ बोल के राज करेंगे ये टाइम बताएगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमने बहुत कदम उठाए, मेरे बाप बहुत लंबी लिस्ट में बताना नहीं चाहता आपको कि किस किस प्रकार से हमने महंगाई को कम करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उसका हर हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। कोरोना के अंदर मैंने 35,00,000 लोगों को ढूंढा घरों से, रेलवे स्टेशन में सोने वालों से, डेस्टिट्यूट को 5,500 रुपये, 1,000 करके, एक बार 1,500 रुपये दिए, 5,500 दिए उस एक साल में, तो कम से कम जिंदगी में भूखा नहीं सोए। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भूखा नहीं सोना चाहिए। माँ जो हमने वर्ड काम लिया था, कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, वही वर्ड काम लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भूखा नहीं सोए भारत सरकार को आदेश दिया है। आप सोच लीजिए क्यों नहीं भारत सरकार, वही जो मैं फिर आता हूँ बात पे कि क्यों नहीं वो कानून बनाती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और वो तब होगा तब विदेशों के अंदर जो वीकली पैसा मिलता है, हर परिवार को पैसा मिलता है, अमेरिका से मुझे ज़्यादा जानते होंगे, जनरल रमेश जानते होंगे, सरदार साहब जानते होंगे, दुनिया में लोग रहते हैं, वीकली पैसा मत दो, एक मंथली दो भाई, पर आदमी जो है, एक मजदूर भी कहा, एक बिल्डिंग बनती है बहुत शानदार आलीशान, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तो खाली मशीनों से काम नहीं चलता, वहाँ मजदूर भी काम करता है। मजदूर जब 60+ हो जाता है, सही साथ नहीं देता उसका, उसके बाद में बड़े बता दीजिए वो क्या करें। घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, बाप बेटों की या पोतों की जो भी है, आदमी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए क्या, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को जो नीडी है उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, वो कानून पार्लियामेंट लाना चाहिए। ये सब राहुल गांधी की भावना है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे मेरी अच्छी बात हुई है, और हम चाहेंगे कि ये यात्रा में आपने भागीदारी निभाई, आपने इतिहास बनाया है, आपका भागीदार। कल मेरे मित्र आए 3-4 पत्रकार जयपुर से, साहब इस यात्रा में हम आना चाहते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा है, हम भी इसके भागीदार बने। ये भावना कई लोगों में रही है देश के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा में आप भी चले हो, हम भी चले हैं, ये भी भागीदारी आपकी हमेशा आपको याद रहेगी। धन्यवाद। एक मिनट, मैं एक दो और मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्र सरकार की नीति ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर बदली है। भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधा देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार संसद में सवाल उठाए गए हैं कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देना जरूरी है, जिसका मायने यह है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की ओर से आएगा। जल शक्ति मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा, मौन रहे और कुछ ना कुछ सवाल उठाते थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में और अजमेर में यह आश्वासन दिया था कि ERCP
जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले के लिए फायदेमंद होगा वो लागू होगा, वो नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा। पर उन्होंने नहीं किया, प्रस्ताव गया यहां से, योजना बनी, ये 90-10 पर अटका हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बयान आया है केंद्र सरकार की ओर से कि हम सोच सकते हैं 75-25 फॉर्मूला, सोच सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। और दूसरी बात, राज्य सरकार ने उसके लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार घबराई गई कि अगर वो इस मामले में कुछ नहीं करेगी सकारात्मक तरीके से, उनकी कड़ी आलोचना होगी, खास तौर से पूर्वी राजस्थान में। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत जोड़ो यात्रा का। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ गिग इकोनॉमी के बारे में, जो अभी अभी अशोक जी ने जिक्र किया, जो ऐप के आधार पर ट्रांसपोर्ट वर्कर होते हैं अमेजोन के लिए, जोमैटो के लिए, ऊबर के लिए, एक ज़माने में अगर आप ओला कहते थे तो शीशा मोला याद करते थे, आज अभी ओला कहेंगे तो ऐप बेस्ड ओला भी है। तो ये सब नए इकोनॉमी के प्रतीक हैं। यहाँ 60% से भी ऊपर युवा दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, कमजोर समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, सेमी और एमी अर्बन एरिया से आते हैं। और जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री और राहुल जी के बीच में, और राहुल जी का इंटरेक्शन भी हुआ कुछ नागरिक संस्थाओं से, उसका एक नतीजा निकला कि राजस्थान पहला राज्य होगा हिंदुस्तान में जो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की योजना बनाएगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। ये दूसरी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से ग्रामीण इलाके से जो आते हैं, जो सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, कमजोर वर्ग के युवा, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी बात जो राहुल जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री ने भी बार बार कहा है, 2 या 3 योजनाएं हैं राजस्थान में जो सिर्फ राजस्थान में है, और हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो। मिसाल के तौर से स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी जिसको कहा गया है राजस्थान में, वो किसी और राज्य में नहीं है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की बात होती है, पर ये है एक मिसाल है राजस्थान मॉडल का। शहरी रोजगार गारंटी योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है, वो भी हम चाहते हैं कि सारे देश में लागू हो, वो भी राजस्थान मॉडल है। और अभी अभी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया राजस्थान पहला राज्य होगा जहां जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ कानून बनाया जाएगा। और राजस्थान पहला राज्य होगा जहां कानून के आधार पर नागरिकों को एक हक मिलेगा स्वास्थ्य की सुविधा, उनको सिर्फ एक वादा नहीं रहेगा पर वो कानूनी प्रावधान किए जाएंगे, ताकि अगर वो पूरा नहीं हो वो न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसे कि नरेगा कानून है, आरटीआई कानून है। तो राइट टू एक्ट, राइट टू हेल्थ एक्ट, वो भी राजस्थान मॉडल का एक और मिसाल है। तो कई उपलब्धियां हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और राहुल जी ने करीब 8-10 अलग अलग दोपहर को इंटरेक्शन किए, 70 संस्थाओं से वो मिले, बैठकर मिले, 30-35-40 मिनट उनके साथ मिले, दलित संस्था, आदिवासी संस्था, महिलाओं संस्था, अलग अलग संस्थाएं से मिले। मुख्यमंत्री थे, पीसीसी अध्यक्ष भी मौजूद थे, हमारे प्रभारी भी मौजूद थे, कई सुझाव आए, प्रशंसा तो हुई राज्य सरकार की,
पर कई सुझाव भी आए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हफ्तों में ये नतीजे आपको दिखाई देंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि एक और बड़ी उपलब्धि हुई है भारत जोड़ो यात्रा की, जो सुझाव कल राहुल जी ने दिया अलवर में कि हर महीने मंत्री यात्रा में निकलेंगे, हर जिले में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सभी जिलों में यात्रा निकलेंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है, मैंने कहा था आपको पहले दिन, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, मोदी साहब ने पीएम की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही मैं समझता हूं हमारे अशोक जी को सीएम की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सीएम माने कम्युनिकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। वो काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा। हम काम ज्यादा करते हैं और प्रचार कम। और अगले एक साल में आ गया है प्रचार का समय, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, पीसीसी अध्यक्ष, सभी लोग प्रचार में लगेंगे। हम ये प्रचार उपलब्धियों के आधार पर कर रहे हैं, कोई झूठे मोटे वादे के आधार पर नहीं कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के बारे में राहुल जी ने खुद देखा, किडनी ट्रांसप्लांट, एक नौजवान और एक लड़का जो लाभार्थी थे चिरंजीवी योजना के। तो अचीवमेंट के आधार पर प्रचार करना और झूठे वादे या झूठ के आधार पर प्रचार करना दो अलग चीज होते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने, मैं समझता हूँ, हमारे सरकार को, हमारे संगठन को और मजबूत बनाया है ताकि अगले कुछ महीने में हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम सही ढंग से प्रचार करें, जनता के बीच पहुँचाएँ और लोगों को बताएं कि हमने जो वादा किया था 2018 में हमने पूरा किया है। शुक्रिया। अभी अभी आपके सवाल लेंगे। मैंने आपको साथ में भी कहा था, धरना प्रदर्शन भी होता है, उसका भी राजनीतिक एक मैसेज होता है, पब्लिक की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने का। यात्रा भी उस सेंस में वरदान साबित होगी हमारे लिए कि जो प्रदेशवासियों ने क्या राहुल गांधी जी को फीडबैक दिया वो हमारे काम आएगा, तो वरदान हो गया हमारे लिए। एक फीडबैक पूरे राजस्थान के लोगों का इंडिपेंडेंट, अगर मैं किसी बात करूँ मेरे हिसाब में, हो सकता पार्टी का आदमी हो, एक राहुल गांधी जी यात्रा में चल रहे हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी चल रहे हैं, एक्टिविस्ट पूरे कंट्री लेवल के चल रहे हैं, इसके अंदर सोशल वर्कर चल रहे हैं, कई पत्रकार मित्र भी आए हैं, तो जिनको मौका मिला चल लिया साथ में, और इनोसेंट भी बुला लेते हैं सब, आप देखते होंगे कैसे बुलाते हैं, तो उसको ही फीडबैक मैं समझ अलग तरीके का, इसलिए मैंने कहा ये इनका फीडबैक हमारे लिए वरदान साबित होगा। वो जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उस वक्त में ये बात आप जो बता रहे हो, अभी हम लोग इसके बारे में एग्जामिन करेंगे कि किस लेवल पे हम जा सकते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। एक मिनट, या ये अच्छा लाइन है, आपको प्रधानमंत्री का हवा लग गया है, वरदान और मतदान। तो क्या ये वरदान मतदान में बदलेगा, ये संगठन पर निर्भर करता है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैं पहले ही कह दूं।
ये हमें सोच में रहना कि भारत जोड़ो यात्रा से 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारे लिए वरदान होगा, मैं उस विचार का नहीं हूँ। बहुत से कठिनाइयाँ आगे, बहुत से चुनौतियाँ हैं पार्टी के सामने, पर भारत जोड़ो यात्रा ने एक दरवाज़ा खोला है, एक मौका दिया है हमें, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, एक वरदान की तरह किया, उसको मतदान में बदलना संगठन पर निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है, एकता, अनुशासन, एकजुटता सब की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, हम पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत जोड़ो यात्रा से 2023 और जो 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने में, अचानक हमारी स्थिति मजबूत हो गई है, मैं उस विचार का नहीं हूँ। और राहुल जी भी कहते हैं बार बार, ये मतदान अलग है और ये जो मुख्यमंत्री का शब्द है वरदान, वो अलग है। देखिए, नफरत का जो माहौल देश में है, तनाव का माहौल है, वो एक अलग मुद्दा है पूरे देश के लिए है। आप देख रहे हो कि आज लोग सब टेलीफोन पे बात करते हुए चमकते हैं, वे फेस टाइम पे बात करो, मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश लोग जो है वो मैं सुनता हूँ फेस टाइम बात करना पसंद करते हैं। वो क्यों? वो तो एक अलग तरह का हो गया। और आपका मतलब है कि आपने कौन सी बात कही? क्राइम बहुत बढ़ा। क्राइम मैं बताऊं आपको, मैं तुलना नहीं करना चाहता दूसरे राज्यों से, तुलना करना उचित भी नहीं है, क्योंकि एक क्राइम भी क्यों हो, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, नो कॉम्प्रोमाइज मेरी दृष्टि के अंदर। पर दो तीन बातें, अभी मैंने PSU में जब गया था तो मैंने मीडिया वालों से बात करी थी, उसमें अगर आप देखेंगे कि कितने, आप बताइए, 156(3) में मुकदमे दर्ज होते थे पहले महिलाओं के भी, SC ST के भी, कितने कम हो गए, अभी मेरे पास परसेंटेज नहीं है, नगनी हो गए हैं। नंबर एक, तफ्तीश में 270 दिन लगते थे, अब 33 दिन लगते हैं, मान लीजिए पोस्को के अंदर या SC ST मुकदमे के अंदर, एग्जैक्ट में वो डेट में डेट मुझे याद नहीं है, तो इतना कम ज़्यादा, मतलब आप समझ 60-70% कम हो गया टाइम, बल्कि ज़्यादा हो गया उससे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हमने जो प्रयोग किए, दो, एक तो स्वागत कक्ष बनाया थानों के अंदर, स्वागत कक्ष जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, क्योंकि थानों में आज़ादी के पहले से ही ऐसा माहौल होता है कि जिसमें आदमी को इज्जत नहीं मिलती थी, कोई जाता तो वो सीधा ही तू कैसे आया हम बात होती थी। अब थानेदार साहब हो या पुलिस वाला, उनको लगे कि मैंने स्वागत कक्ष बनाया हमारे यहाँ तो मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। जब तक कोई क्रिमिनल साबित नहीं हो तब तक आप तो मान सम्मान तो दो, पता नहीं वो जो अभियुक्त जो व्यक्ति आया वो जो उसने क्राइम किया ही नहीं है, ये जो फरियादी आया है उसको कम से कम मान सम्मान का अधिकार रखता है। तो ये जो हमने एक तो स्वागत कर, दूसरा सबसे बड़ा फैसला किया है FIR कंपल्सरी करने का, ये हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। FIR कंपल्सरी जिस दिन मैंने की उस दिन आप साथियों को मैंने कहा था PSU के अंदर, आज से 3-4 साल पहले, सरकार बनते ही संख्या बढ़ेगी तो लगे क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि संख्या इसलिए बढ़ेगी हर FIR को कंपल्सरी किया गया है दर्ज करना, अपना बहुत बड़ा काम वो है। और उनमें NCR की बुक में पढ़ेंगे आप तो उसमें भी लिखा हुआ, पहला पेज में ब्लॉक लिखा हुआ कि हर राज्य में अलग अलग स्थिति होती है, उसको आप कंपेयर मत कीजिए, हमारा जो फिगर है उसको मत मानिए, भाई ये सब कुछ है, हर राज्य की स्थिति अलग अलग तरह की होती है, उस ढंग से क्राइम के आंकड़े आते हैं। तो यहाँ क्राइम कोई बड़ा नहीं है, क्राइम कंट्रोल हुआ है और मीडिया भी उसको आराम से दे पाता है, क्योंकि FIR दर्द हो रही है, पहले FIR दर्ज ही नहीं होती थी तो मीडिया को मालूम ही नहीं पड़ता था, बाद में मालूम पड़ता था वो पुराने न्यूज़ छापते थे। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हमने उठाया, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करें अप्रिशिएट, उसका आप अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद में आप मुझसे बात करो, मुझे खुशी होगी कि मैं खुद बात करने चाहूँगा उसके बाद।
की घटना जब हुई थी, थाना गाजी गैंग रेप की घटना के बाद में आपने जिले में एक एसपी ऑफिस में एक सेल गोली की एफआईआर दर्ज कराने के लिए अलवर में सबसे पहले खोली गई थी और सभी जिलों में खोली गई थी, लेकिन आज अलवर की स्थिति को बात करेंगे, थाना गाजी गैंग रेप की घटना के बाद वो सेल खुली थी लेकिन अलवर में एसपी ऑफिस में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे उस सेल में पिछले दो तीन सालों से। एसपी ऑफिस जूती क्या आपको, वो तो थाने के तो मना करेगा कि थानेदार आज सुनिए तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। जी थानेदार ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से, बहुत बड़ा फैसला ये है देश के लिए। वहाँ एसपी ऑफिस में दर्ज होगी, पहले पहले हुई थी 5-7-10 जगह एक्शन हुआ थानेदार के यहाँ। अब मैं समझता हूँ लगभग कहीं पे भी थानेदार मना नहीं कर सकता, कहीं कहीं करते हैं एक्शन होता है उसके खिलाफ। दूसरा जो आपने कहा, राहुल गांधी जी भी आए थे उस घटना के बाद में यहाँ पर, तब हमने डीओएसपी रैंक के ऑफिसर लगाए थे महिलाओं के लिए, बाद में हमने उसको और अपग्रेड कर दिया, एडिशनल एसपी कर दिया महिलाओं पे अत्याचार के लिए कंट्रोल करने के लिए, जिले के अंदर एडिशनल एसपी रैंक का अलग से प्रकोष्ठ बना हुआ, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। फिर भी घटना आप देखते हो रेप की है, ड्यूटी भी है, सच्ची भी है, सब तरह की होती है। तो पुलिस ईमानदारी से मैं उनको कह सकता हूँ कि ईमानदारी से मैं कहूँ तुम काम करो, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप कैसे लोगों को राहत दिलाएं, ये हमारा फर्ज है। आज सुबह मैंने आपके ऑफिसरों से डिस्कस किए थे यहाँ पे सभी काम, सड़कों का भी अन्य काम भी, उनका भी मानना था कि सड़कें हमारे राजस्थान में ज़्यादा बेहतर, आज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड भी, पर फिर भी क्या है इतनी बढ़ती भारी बरसात इस बार राजस्थान के अंदर हुई, आपको मालूम ही है कि सड़कें पूरी तरह पूरे प्रदेश के अंदर उधड़ गई थी। फिर मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ में, आज भी सड़कें जो है यहाँ की बेहतर है, काम शानदार चल रहा है। हम MLAs के आधार पे भी, बिना MLA के आधार पे भी, बल्कि मैंने कलेक्टरों से मैं मंगाता हूँ, बजट में प्रस्तुत करता हूँ तो 3 सड़कों के नाम मंगाता हूँ मैं कलेक्टर से, जो बिल्कुल भ्रष्ट सड़कें जिले की है उनको आप भेजिए मेरे पास में, उसमें कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं है। किसी क्षेत्र के MLA हो, कांग्रेस का हो, BJP का कोई हो क्षेत्र का, सड़कें खराब है उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए आप, ये मेरी थीम है। उससे हमें बड़ा लाभ मिला है, अधिकांश सड़कें ठीक हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के आप कह रहे हो कि उसके पहले सड़कें अगर काम हुआ है, लेकिन एक्टिवनेस वाली जो बात आपने कही ना कि अब होंगे, ना मेरी बात बात सुनिए भैया, पूरे रास्ता में एक साथ हो नहीं सकती। घर में कोई शादी ब्याह होता है तो थोड़ा निपाई नहीं होती, सफाई नहीं होती घर के, क्या ये हमारे लिए तो एक प्रकार से एक शानदार यात्रा थी जिसमें हमारे मेहमान आ रहे थे मान लीजिए, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उस रास्ते पे साफ सफाई रखें, अच्छी बात ही है ना। नहीं नहीं, बट एक बात मैं कह दूं 485 किलोमीटर को मेंटेन करना 2 दिन में काम नहीं हो सकता या 3 दिन में नहीं हो सकता। हम चले हैं, मैं चला हूँ मध्य प्रदेश में, चला हूँ रोज 24 किलोमीटर, मैं राजस्थान में चला हूँ रोज 24 किलोमीटर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सड़कें भारत जोड़ो यात्रा के ऐलान के पहले से यही थी हालत में थे, ऐसा नहीं दिखता था कि रातों रात काम हुआ है। यहाँ वहाँ सफाई हुआ होगा पर टार और बिट्यूमेन जो है खड्डे नहीं दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में चलना खतरा था, 6 जिले में हम गए मध्य प्रदेश में, और रोज 17 दिन हम मध्य प्रदेश में थे, रोज खतरा था। राजस्थान की सड़कें बेहतर हैं और ये मैं समझता हूँ इसकी पर काम भारत जोड़ो यात्रा के ऐलान के बाद की नहीं है, ये पहले से ही ऐसा था। और ये कहना सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये सड़कें अच्छे हैं, ये गलत है। देखिए,
पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल वो यात्रा में शामिल भी नहीं हुए, मैंने तो देखा नहीं जब मैं चल रहा था। जो पंजाब के ऐसे लोग हैं जैसे SFJ है और रेडिकल्स हैं, और आज अकाली दल एक लेकर चले बंदी सिख छोड़ने का, ये सारा इलेक्शन स्टंट है। अकाली दल का आधार खत्म हो गया है, कहाँ उनके 97 MLA थे, आज उनके सिर्फ 3 हैं, तो वो अकाली दल का है और कोई ऐसा नहीं है। सरकार है राजस्थान की, जो यात्रा से पूर्व गहलोत बनाम पायलट गुट में टूट रही थी, क्या वो और कोई कहाँ और कोई यात्रा संबंधित क्वेश्चन? आमतौर पर केंद्रीय बजट के बाद में राज्य सरकारें बजट पेश करती है ताकि केंद्र का जो बजट है उसमें जो योजना है उनका लाभ राज्यों को, लेकिन आपने कल घोषणा की है कि मैं अगले महीने यानी जनवरी में बजट पेश करूंगा, तो केंद्र सरकार के बजट की भी कोई तारीख नहीं है इस बार जल्दी बजट का कोई विशेष कारण? नहीं देखिए, अभी तो मैंने कहा है असेंबली सेशन जल्दी आ सकता है, ठीक है, पहले से चल रहा है, 3-4 महीने से बात चल रही है, क्योंकि लास्ट बजट है ये। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है लास्ट बजट, मैंने अनुभव किया है कि सबको लगता है कि हम अपने अपनी अपनी बात जाकर के जनता के बीच जाएं, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो, तो एक थिंकिंग चल रही है पार्टी के अंदर। अब अल्टीमेटली क्या फैसला होता है आपके पास जल्दी मालूम पड़ेगा। और कोई बात? ये तो काम करते हो, लड़ाने का काम ही करते हो आप लोग। कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, हरियाणा की टीम आई थी, लंबी बातचीत हुई, और हरियाणा चाहती है कि वो राजस्थान से भी और उम्दा हो भारत जोड़ो यात्रा, पर मैं समझता हूँ राजस्थान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जो स्टैंडर्ड राजस्थान ने सेट किया है बहुत ऊंचा है, सड़कों से लेकर हॉस्पिटैलिटी, जो रहने जो बंदोबस्त किए गए हैं, इंटरेक्शन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो राहुल जी ने कहा है उसके बारे में, तो राजस्थान जो मैंने कहा है 10 में से 10 मिलता है। देखिए आप आपने कहा कि चैलेंज, मैं प्रभारी राजस्थान का हूं तो हम पंजाब वाले एक्सेप्ट करते हैं, इसे बड़ा करेंगे, और पंजाबी प्रौणाचारी में और खातरदारी में हमेशा ही आगे रहते हैं, तो उस टाइम पूरी फॉग भी होगी पंजाब में, 10 दिन के लिए, 15 दिन, 20 दिन के लिए बिल्कुल सूरज भी नहीं दिखाई देता, और हम तो इस मौसम में भी मेरे ख्याल आप जब मैं आपको इनवाइट भी करूंगा, आप देखेंगे कि पंजाब में माहौल कैसा है। अभी जो आपने बात की है उन बातों का जवाब वहां मिलेगा। एक मिनट मैं मौका दूंगा भाई, मुझे बोलने तो दीजिएगा, एक मिनट सुनिएगा। हमारे बीच में PCC अध्यक्ष भी हैं, संगठन का बहुत बड़ा योगदान है इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में, मैं दूतासरा जी से गुजारिश करूंगा वो कुछ बोले। माननीय जयराम रमेश साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माननीय रंधावा साहब हमारे प्रभारी, हमारे MLA साहब पवन खेड़ा जी और साफिया जी, हमारे चौधरी जी, डबल चौधरी जी और कपिल यादव जी, तमाम मीडिया के बंधु, मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां आज मैं महसूस कर रहा हूं कि एक तो ये यात्रा जो ऐतिहासिक बनाई, लोगों ने दिल से प्यार दिया, सहयोग किया, उसके लिए प्रदेश के लोगों का, मीडिया के बंधुओं का, तमाम नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का मेरे को हक बनता है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा।
और जो लोग यात्रा में कन्याकुमारी से चल रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा दूरी तय करके जो व्यक्ति आता है उसको सब चीज़ें यथास्थान नहीं मिल पाती हैं, तो कोई असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और जो प्यार लोगों का राहुल जी के लिए देखा, और राहुल जी जिस लगन के साथ, जिस खुशी के साथ लोगों की बातें सुन रहे थे, उनके दुख दर्द को सुन करके आत्मसात करके ये कह रहे थे कि मैं जो मदद होने वाली होगी वो मैं मदद करूंगा, मैं समझता हूं ये एक ऐसा नज़ारा था जो भावुक करने वाला था। कई कई जगह, एक जगह ऐसी भी आई जहां एक बच्ची रो रही थी और राहुल जी ने कैमरे से उसको और अपने आप को हटा लिया। उसके कोई पिता की पता नहीं हत्या हो गई थी या इस तरीके का वाक्या भी आया था। तो मैं समझता हूं कि हमारे सबके लिए एक उत्सव भी था, पार्टी को और ज्यादा मजबूत और सशक्त करने का मार्गदर्शन भी था, और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए, और अभी जयराम रमेश साहब ने कहा कि संगठन का काम है सरकार रिपीट करना, तो सरकार ने अच्छा काम चार साल में किया और आगे भी उसी विजन के साथ में अच्छा काम, अच्छी योजनाएं आएंगी। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर्स का अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर ही हम एक अधिवेशन बुलाएंगे, और जो राहुल जी के पास में जो बातें आई हैं, जो एप्लीकेशन आई हैं, जो फरियादें आई हैं, जो उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं या उन्होंने दिखवाने के लिए कहा है कि क्या हो सकता है या किन लोगों की क्या क्या समस्याएं थी और क्या दुख दर्द था या क्या वो अच्छा महसूस कर रहे थे, किन योजना के बारे में अच्छा महसूस कर रहे थे, उनको और कैसे सशक्त बनाएं, और कौन सी चीज़ अधूरी रह गई जो लोगों ने राहुल जी के सामने व्यक्त किए हैं, उनको भी हम समाहित करेंगे और संगठन की तरफ से हम लोग सुझाव देंगे सरकार को कि वो उस बजट में उन चीजों को जो राहुल जी के सामने इस 17 दिन में आई हैं उनको समाहित करे, और इनके इसके अलावा भी जो भी कार्यकर्ताओं की भावना होगी उसको भी हम लोग इसमें समाहित करेंगे। संगठन की तरफ से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक बंद मुट्ठी के रूप में सब एक माला में जैसे मोती पिरोते हैं वैसे पिरो करके माला बना करके और जनता की सेवा चार साल भी की है और 12 महीने करेंगे, उनकी जो भी कोई कमी खामियां रह गई हैं, जो उनकी कोई आशा अपेक्षाएं रही हैं, उनको भी हम लोग पूरा करेंगे। और विशेष रूप से हमें जो राहुल जी की यात्रा के दौरान जिस प्रकार का फीडबैक मिला है वो हमारे 12 महीने के सुशासन में और कारगर साबित होगा, हमारे बजट में उसको परिलक्षित किया जाएगा। और कल जब महंगाई की बार बार बात आ रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने 580 या 600 रुपये तो सिलेंडर की अभी से घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से हमारी सरकार उन लोगों को देगी जिन्होंने मोदी सरकार ने उज्ज्वला नाम दे करके उनके सिलेंडरों को खाली अटान के ऊपर टंकवा दिया, भरवा नहीं सके, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। आप समझ सकते हैं कि एक दो फैसलों के आधार पर आप समझ सकते हैं बानगी कि आने वाला बजट हमारी सरकार का कैसा होगा, और सत्ता और संगठन हम सब मिलकर के काम करेंगे और जनवरी 26 या 27 जो भी हम तय करेंगे बताएंगे। हर मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, संगठन के लोगों को 15 किलोमीटर चलना 1 महीने में 1 बार अनिवार्य होगा। अगर किसी को संगठन में काम करना है, पद लेना है, किसी को MLA बनना है, किसी को मिनिस्टर रहना है, तो उनको सबको 15 किलोमीटर महीने में 1 दिन गांव में लोगों के बीच में चलना ही पड़ेगा, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। छब्बीस जनवरी से ग्रामीण ओलंपिक भी होगा, कहाँ दिख रहा है आपको, कितना प्यार से बातें हो रही हैं। अरे भाई, सत्ता और संगठन में समन्वय है, ऐसा मिलता है क्या कहीं? तो फिर
कोई टेंशन नहीं, आप तो मस्त रहो और अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करो जिससे लोगों को लाभ मिल सके। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।